स्वच्छ नागपुर सुंदर नागपुर की एक अनोखी तस्वीर आज आपको दिखाते हैं, जो देखकर शायद आप सोच में पड़ जाएंगे कि क्या यह हमारा नागपुर है। नागपुर के पौश कहे जाने वाले रामदास पेट की विचलित करने वाली कुछ तस्वीर आपको बताते हैं, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नागपुर शहर की क्या वास्तविकता है। स्वच्छ नागपुर, सुंदर नागपुर, ऐसी पहचान रखने वाले नागपुर की एक अलग तस्वीर मैं आज आपको बताऊंगा। और नागपुर के बहुत ही पॉश माने जाने वाले रामदास पेट इलाके में हम हैं, और ये मुख्य मार्ग है जो हमारे नागपुर को जोड़ता है, और ये वो नागपुर की नाग नदी है जिससे नागपुर को पहचाना जाता है। ये दीवार पिछले कई दिनों से मैं कहूँगा कि क्षतिग्रस्त है, और कई सारे असामाजिक तत्वों की वजह से यहाँ के जो नागरिक है वो बड़े परेशान हैं। और आप देख सकते हैं हमारे स्वच्छ नागपुर, सुंदर नागपुर की क्या हालत है, और यही वो नागरिक है। और सामने आप देख सकते हैं कि रिहायशी इलाका है जहाँ पर लोग रहते हैं, लोगों की खिड़कियाँ हैं, दरवाजे हैं, तो ऐसे में बहुत सारे लोग हैं जो इस मामले से परेशान हैं। और ऐसी बात नहीं कि इन लोगों ने कभी नागपुर महानगर पालिका को ये बात संज्ञान में नहीं लाई है, कई बार बताई, लेकिन एक्शन जो है वो उस पर नहीं हुआ। क्या प्रतिक्रियाएं हैं इनकी वो जानते हैं। क्या तकलीफ है आपको? 5 साल पहले जो नगर सेवक थे उनको हमने ये सब दिखाया था, उन्होंने प्रॉमिस भी किया था कि यहाँ हम गार्डन लगाएंगे, ऐसा करेंगे, कुछ भी किया नहीं है 5 साल। वो उसके बाद वो महापौर भी हुए, उसके बाद भी उन्होंने आज तक कुछ नहीं किया, और हमारी परेशानी जो है वो अभी तक वैसी की वैसी है। कई सारी तकलीफों का सामना करना पड़ता होगा क्योंकि ये नाग नदी है, नाला है, लोग टॉयलेट के लिए आते होंगे, कुछ असामाजिक तत्व आते होंगे, और कई सारे लोग जहाँ पर बहुत सारी शॉप्स भी, तो कचरा भी डालते होंगे, तो आपको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता? ये जो अभी आपने जो वॉल दिखाए, वो वॉल जो है ती वॉल पड़ून जवळपास 2-3 महीने झालेला आहे। कॉर्पोरेशनला आपण लेटरसुद्धा लिहिलेलं आहे, पण त्या याच्यावर अजूनही काही ॲक्शन झालेलं नाही। आणि ही जी भिंत पडली त्याच्यामुळे काय होतं की आजूबाजूचे जे लोक आहे, जे फुटपाथवर राहतात किंवा बाजूचे, ते इथं आतमध्ये येऊन घाण करतात ते, आणि त्याच्यामुळे काय होते की हे मच्छर आणि हे सगळा घाणेरडा वास, इथं उंदरी, हे ते सगळे आमची जी बिल्डिंग आहे, जवळपास 80 फ्लॅट आहे आणि 200 लोक इथं राहतात। आणि आरोग्याच्या दृष्टीने काय आहे की नेहमी मलेरिया, डेंग्यू अशा प्रकारचे जे रोग आहे ते रोग होतात, आणि हे सगळे हे जे हेल्थचा प्रॉब्लेम आहे हे सर्व या नाल्यामुळे होते। तर आमची मागणी अशी आहे की ही जी भिंत आहे ती भिंत कमीत कमी 4 फूट ते 6 फूट एवढी उंच पाहिजे। तेवढी उंच असली तर म्हणजे बाकी जे असामाजिक लोक जे आहे, जे लोक घाण करतात आणि बाकीचे ॲक्टिव्हिटी करतात, ते लोक येणार नाही आणि इथं घाण करणार नाही। आणि आरोग्याच्या दृष्टीनं हे काम करणं अत्यंत आवश्यक आहे। आमची कॉर्पोरेशनला एवढी नम्र विनंती आहे की त्यांनी या कामात लक्ष द्यावे आणि टॉप प्रायोरिटी ते काम करावं, हीच आमची इच्छा आहे। क्या लगता है आपको, क्या वजह है कि जिसकी वजह से, मैंने पहले ही कहा कि रामदास पेट एक बहुत पॉश इलाका है, बहुत सारे बड़े बड़े लोग रहते हैं, फिर भी हम देख सकते हैं कि किस तरीके की जो प्रॉब्लम है वो रही, तो क्या लगता है क्यों उदासीन है इतनी नागपुर महानगर पालिका? मैं रामदास पेट प्लाट ओनर एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। हमने कई बार यहाँ पे कंप्लेंट भी किए हैं, गडकरी साहब को भी मिले थे, उन्होंने तो यहाँ तक कहा था कि यहाँ पे नाव चला देंगे हम। नाव तो चलाना दूर रहा, ये नाला दुरुस्त नहीं हो रहा है। हर साल JBC आती है कचरा साफ़ करने के लिए, कचरा क्या साफ़ करती है, कचरे को दोनों साइड कर देते हैं, बीच में से पानी का प्रवाह खुल जाता है, कचरा कुछ निकलता नहीं है, लाखों करोड़ों रुपये के बिल बन जाते हैं, और वो जैसे का वैसा है। पिछले साल ये JBC अंदर जा नहीं रही थी तो उन्होंने भित्त को तोड़ दिया दीवाल को, और JBC को नीचे उतारा। दो तीन साल से दीवार वैसी की वैसी पड़ी है। हमने महापौर को, कॉर्पोरेशन को कई लेटर दिए, हमारे सोसाइटी में उनका रिसीव्ड है पूरा, लेकिन ये भिंत अभी तक नहीं बनी। हमारी ऐसी मांगनी है कि दीवार को कम से कम 6 फुट ऊँचा किया जाए, क्योंकि लोग इसमें कचरा डालते हैं, सवेरे के टाइम पर तो लाइन लग जाती है, टॉयलेट के लिए भी लाइन लग जाती है अंदर। अब क्या बोलें हम लोग, यहाँ छोटे छोटे बच्चे, लेडीज सब लोग रहती है, बड़ा शर्म आती है देखने के लिए। तो ऐसा कम से कम आप लोग सब करें तो ये कम से कम दीवार को ऊंचा करें, जिससे कि कचरा लोग अंदर ना डालें, और मच्छर इससे हैजा वैजा बहुत फैल रहा है। बस ये और क्या कहें हम, यही हमारी मांगनी है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है, जैसे कि सर ने बताया कि सुबह तो यहाँ लाइन लग जाती है, तो आप लोगों को तो बहुत प्रॉब्लम्स होती है। बहुत बहुत प्रॉब्लम होता है यहाँ हमको, तो ये मतलब इसको दीवार जल्दी बना देनी चाहिए। और दूसरा मेन पर्पज कैनाल का ऐसा है कि जब बारिश बहुत आती है, ओवरफ्लो होता है, तो उन तालाब से पानी छोड़ते हैं और इसमें से वो आगे चला जाता है,
पर ये इसमें तालाब का पानी तो नहीं, पर वो सबके गटरों का पानी इसमें आ रहा है, तो उससे तो इतने प्रॉब्लम होते हैं। मतलब ये तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हो गया कि उस पर गटरों बंद करना, पर कम से कम मतलब क्या यहाँ दीवार खड़ी करके और यहाँ इसके ऊपर कैमरे लगा देना कि भाई यहाँ कैमरे लगे हुए हैं, आप यू आर अंडर वॉच। तो ऐसा करने से लोग अंदर कचरा डालने को डरेंगे। हम जिसको भी मना करें सवेरे के टाइम पे गंदगी जो करते हैं झगड़ा करने पे उतारू हो जाते हैं। हम तो ऐसे लोगों से झगड़ा कर भी नहीं सकते। सवेरे गंदगी करने आते हैं, कचरा डालते हैं, हम चौकीदार को भेज के मना करते हैं लेकिन वो मानते ही नहीं, झगड़ा करने पर उतारू हो जाते हैं। क्या कर सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं होता है। समस्या बहुत गंभीर है, तो ऐसे में भविष्य में जो है आप लोग क्या रुख लेंगे फिर अगर नहीं ध्यान देती है नागपुर महानगर पालिका? ये तो अभी कंप्लेंट पे हमने दिया है, अभी आपके माध्यम से सबके माध्यम से अगर ये दीवार नहीं बनती है तो फिर हमारे को अभी दूसरे अभी कुछ लीगल रिसोर्स का साथ लेना पड़ेगा आगे में जाके। बिल्कुल सही कहा इन्होंने, और जैसे कि मैंने कहा कि नागपुर स्वच्छ नागपुर और जिसे हम कहते हैं ग्रीन नागपुर जो है कहते हैं, लेकिन इस स्वच्छ नागपुर की ये एक तस्वीर है। शायद नागपुर महानगर पालिका को जो है इसके तरफ अपना ध्यान ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि रामदासपेट वो इलाका है जो कि नागपुर में सबसे पॉश माना जाता है, और अगर उस पॉश इलाके की अगर ऐसी तस्वीर है तो बाकी पूरा नागपुर कैसा होगा, ये सोचने वाली बात है। कैमरामैन रोशन के साथ मैं अमोल शेंडे, वीकेबी न्यूज़ के लिए।